क्या बोल रहे हो मैडम जी? बोलना भी हूँ क्या करी बोल? ऐसे तो हर जगह से यूट्यूबर निकल लगेंगे। नहीं 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 भाई, हर जगह से कैसे निकल सकते? क्या मतलब तुम्हारा बोलने क्या मतलब है? तुम्हारे पीछे से यूट्यूबर निकल जाएगा? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सही बात है, सही बात है। इतना मेरा लेवल है ना, उतना तेरा सब्सक्राइबर भी नहीं होगा। चलो भाई देखो अपने क्या करते हैं। इन लोगों को पता भी नहीं चल रहा कोई आ गया क्या अभी। ग्रेनेड गाइस, वो लड़की है भाई, मैं लड़का हूँ यार। बस अरे नहीं भाई, अरे चच्ची मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ? खत्म अभी। अब क्या होगा? 2000 years later. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज हम लोग वापस आ चुके हैं अपने कलुआ के साथ। और भाई ये कलुआ सबसे डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि इसका स्टाइल अलग है, इसका यूनिक ड्रेस है, आप सभी देख सकते हो, रंग बिरंगा अतरंगी। और भाई इसका एटीट्यूड वो तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि आज हमें एटीट्यूड की सख्त जरूरत है। तो आप सभी सोच रहे होगे कलुआ को एटीट्यूड की जरूरत है, भाई उसके पास तो ऑलरेडी है। बट गाइस आज हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे एटीट्यूड जितना भी हो उतना कम है। अच्छा, हम लोग जाने वाले वर्ल्ड चैट में, क्योंकि आप सभी की दोबारा से डिमांड आ चुकी है कि वर्ल्ड चैट में जाओ, कलुआ को अतरंगी सतरंगी बना के बात तो सही है, और यूट्यूबर वाला प्रैंक करो। तो भाई मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज मैं जिसके भी ग्रुप में जाऊंगा उससे बोलूंगा कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, देखते गए वो लोग क्या बोलते, ट्रस्ट करते कि नहीं, और भाई क्या क्या सीन होने वाला आप सभी खुद ही देख लेना। तो फटाफट वर्ल्ड चैट ओपन करते हैं और हम लोग जाने वाले किसी CS वाले में। भाई इसमें तो BR वाला डाल रखा है। यस गाइस, ये मिल गया CS रैंक, वो भी लड़की। ओ हो हो हो, चलो गाइस इसके ग्रुप में घुसते हैं। ये कौन आ गया लोड़ा? ये फटीजर किसको बुलाया? अच्छा भाई वर्ल्ड उड़ा दिया किसी ने? अरे अमर डालो यार, फालतू बंदे आते हैं। वर्ल्ड में डाल रखा, किसने बुलाया इसको? अरे भाई हेलो हेलो। अरे भाई तुम लोगों ने बुलाया नहीं, मैं वर्ड चैट से आया हूं, तुम लोगों का CS का वर्ड चैट में देखा ये क्वीन का, तो मैं आ गया। हां मैं भेजू वर्ड चैट। अरे भाई 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 सुनो 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 सुनो, अरे भाई एक बात बोलनी थी यार। हां बोलो। अरे भाई मैं एक यूट्यूबर हूं और तुम लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे? ये बॉय भाई, ये फीचर भी यूट्यूबर है बोल भाई। हर छपरी बंदा यूट्यूबर बनने चला है भाई, मैं यूट्यूबर हूं तो मैं भी शाहरुख खान हूं। अरे भाई सच में यूट्यूबर हूँ यार, थोड़े सब्सक्राइबर कम है, तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे और थोड़ा वीडियो देख लोगे तो व्यूज बढ़ जाएंगे यार। यूट्यूबर को भाई साहब बोलो मत, सपोर्ट करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? अच्छा रे भाई, मतलब यार तुम लोग किसी नीचे वाले बंदे को ऊपर उठा नहीं सकते क्या? क्या बोल रहे हो मैडम जी? बोलना भी हूँ क्या करी बोल? ऐसे तो हर जगह से यूट्यूबर निकल लगेंगे, किसी को सपोर्ट करेंगे भाई। नहीं 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 भाई, हर जगह से कैसे निकल सकते? क्या मतलब तुम्हारा बोलने क्या मतलब है? तुम्हारे पीछे से यूट्यूबर निकल जाएगा? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सही बात है, सही बात है। जितना मेरा लेवल है ना उतना तेरा सब्सक्राइबर भी नहीं होगा। अरे भाई मतलब आई नो मेरे अभी उतने सब्सक्राइबर नहीं है, 2-4 हैं, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज्यादा सब्सक्राइबर वाला बंदा बन जाऊंगा ना, तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर लो भाई। बात तो सही है भाई साहब, ऐसे फटीचर यूट्यूबर को बनाएंगे। फ्री फायर का कोई नाम ही रहे पूरे गेम में आ रहे, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दो तीन भाई तो मैं लेवल ना लाइक ना गेम प्ले कुछ भी कोई छपरी बंदा आ जाते हैं। अच्छा एक मिनट, तुम लोगों को मेरा गेम प्ले देखना है भाई, गेम प्ले तो इतना खतरनाक है कि देखोगे तुम्हारी होश खराब हो जाएंगे, समझा? भाई साहब हमारे पास टाइम है, छोड़ ना, फालतू माइनस करवा देगा। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, माइनस होने की तो बात ही नहीं है, मैं क्या बताऊं यार, तुम तीनों अगर सामने मेरे आ गए थे ना तो रोने लगोगे यार। इतना शक्ल से ही दिख रहा है। हां भाई रो ही देंगे ना, इतना गंदा गेम प्ले करोगे तो खेला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। अरे देखो 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 देखो, तुम रो दोगे या हंस दोगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि मेरा गेम प्ले भी नहीं है, मैं बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूं, तो एक बार मैं बोल रहा हूँ आ जाओ 1v3 कस्टम कर लेते हैं, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा गेम प्ले कैसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लोगों के साथ कस्टम नहीं खेलते।
अभी तुम जाके ट्रेनिंग करो, उसके बाद कस्टम में हमसे चैलेंज कर। तुम जैसे नूबड़ों के साथ खेलोगे तो हम लोग ही बेइज्जती हो जाएंगे। अरे मैडम जी ऐसी कोई बात ही नहीं है ना, क्या डर रहे हो क्या तुम लोग? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे हम हार जाएंगे ना, प्रो प्लेयर है। अरे वही तो बोल रहा हूँ, हारने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम लोग अगर मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर दोगे भाई, फर्जी का मतलब बोले जा रहे हो कि तू नूबड़ा है, तू सस्ता यूट्यूबर है। भाई आई नो मैं सस्ता यूट्यूबर हूँ, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मैं महंगा यूट्यूबर बन जाऊंगा, फिर तुमसे दोस्ती करके वी बैच आ जाएगा, फिर यार फ्रेंडशिप हो जाएगी अच्छी खासी। अरे भाई मैं तो इसी धरती से आया हूँ, लेकिन लगता है तुम कहीं और से आए हो, क्योंकि तुम्हें तो कुछ बारे में पता ही नहीं है। भाई वी बैच आएगा तो तुम्हें पता है क्या क्या हो सकता है, फिर मतलब बहुत सारे डायमंड आएंगे, बहुत सारा कस्टम कार्ड आएगा, आपस में पार्टनरशिप करके बांट लेंगे भाई। तो हमें भी दोगे क्या भाई? हाँ तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे मैडम जी, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी तो आएगा। कुछ भी पहनने के लिए कपड़े नहीं है, यूट्यूबर बनने चला भी बैच वाला। वही तो, कोई भी दिखता है इनको वर्ल्ड में ऐसा बंदा तो घुस जाता है ग्रुप में, रिक्वेस्ट ले लेगा। अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम लोगों ने मेरा मूड खराब कर दिया। अब ये सब्सक्राइबर यूट्यूबर बात एक साइड में, तुम लोगों को लगता है ये कलुआ नूबड़ा है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं अभी फिर से चैलेंज दे रहा हूँ, दम है तो आज 1v3 में मैं दिखा देता हूँ कलुआ नूबड़ा कि तुम तीनों नूबड़े और मतलब फकीर क्या ही क्या हो यार। अरे सुनो सुनो, हर गली का चोर खुद को 30 मार खानी बोलता है। अरे भाई ये कलुआ है, सुनो सुनो, ये कलुआ है जो अपनी औकात पे आता है तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, और तू अभी चेचे पे करके नहीं भागे ना तो नाम बदल देना इस कलुए की। शाबाश बेटा, आ जाओ चैलेंज आ रहा हूँ, ये रुद्रा क्या नाम है, लो रिक्वेस्ट था, मैं बना रहा हूँ कस्टम। गाइस मतलब कैसे कैसे बंदे मिल जाते हैं भाई, अलग लेवल का वर्ड चैट में चल रहा है। मैंने सोचा कि आज यूट्यूबर बन के प्रैंक करूंगा तो भाई बंदे रेडी हो जाएंगे, और भाई यहाँ पे उल्टा बेइज्जती हो गई। अभी रुको बताते हैं, अभी बताते हैं मैं सस्ता यूट्यूबर हूँ या महंगा यूट्यूबर हूँ। और गाइस लास्ट में इनको वी बैच वाली आईडी दिखाएंगे, फिर देखते कि ये लोग क्या बोलते हैं कि असली यूट्यूबर हूँ नकली यूट्यूबर हूँ, अभी पता चलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. चलो गाइस इस बंदे को मैंने इनवाइट कर लिया, अभी अपने दोनों बंदे को बुला ले, और वो एक बच्चा था और एक लड़की। भाई अकेला ही 1v1 करेगा क्या? नहीं वो आ गया, हाँ यही बच्चा था। मतलब आजकल के बच्चे भी इतना ज़्यादा बोलते हैं कि भाई क्या ही बताऊँ, उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाई सामने कौन है। बट कोई ना, अभी बता देंगे कौन है और ये क्या बोल रहे। क्वीन हाँ, 7-0 से हारेगा, वाह भाई वाह 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 वाह, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो गाइस, पहले से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इनको लग रहा है कि 7-0 से ही पेल देंगे। चलो कोई बात नहीं, इनकी इच्छा हम लोग पूरी करते हैं 7-0 से इनको पेल के। बट गाइस लगता नहीं कि 7-0 से ये लोग पेले जाएंगे। ये क्या हुआ, क्या था भाई, स्टार्ट हुआ मैच कि क्या हुआ? आई डोंट नो गाइस, ये क्या चल रहा है, ग्लिच है या फिर क्या है? चलो सही है, गेम स्टार्ट हो गया। और गाइस जानते हो एक अच्छी बात ये हो गई कि अब कलुआ के पास सुपर पावर आ चुकी है। आप सभी को पता ही होगा जब से अपडेट आया तो कलुआ अपना कैरेक्टर स्किल भी लगा सकता है, तो सही है यार, अब तो कैरेक्टर स्किल के साथ इन लोगों को पेलेंगे। और हमने ले लिया है अपना धांसू सा बवाल सा आइटम, जिसे देखकर अभी ये तीनों के तीनों सदमे में जाने वाले हैं। और इन्हें पता चल जाएगा आखिरकार कि कलुआ किस खेत की मूली है और क्या क्या कर सकता है गाइस। और गाइस पिछली बार हम लोगों ने फेस कैम के साथ गेम प्ले किया था, अगर आप सभी ने वो वाली वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, और हमारा काम शुरू हो चुका है। अबे ये मुझे डैमेज दे रहा है, रुको रुको इधर बैठ जाते पहले, इन लोगों को पता भी नहीं चलता। अबे कोई आ गया क्या, अबे ग्रेनेड सेट यार, वो डीजे आलोक चलाने के चक्कर में ग्रेनेड चला ही नहीं यार। कोई बात नहीं गाइस, ये बच्चा कितना ज्यादा उछल रहा है, रुक जा इस बच्चे की हेकड़ी निकालते हैं, इसे बताते हैं कि सामने कौन है। भाई कलुआ एडम है और बच्चे इसके सामने नहीं टिकते, बच्चे बहुत रोते हैं, मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं एक बार जब ये पेलता है। चलो इस बच्चे को आज जलवा दिखाना पड़ेगा कलुआ एडम का,
कि कलवा एडम हो चुका है सुपर पावरफुल। पहले तो सिर्फ पावरफुल था, अब तो सुपर पावरफुल हो चुका है। बंदारा सीजन 2 वाला। भाई ये तलवार से काटने के लिए आया क्या? रुक जा, चीज उधर से आ रही है। ले ले भाई ओम ओ। अरे चाची जी क्या हाल? अरे हाल चाल तो सही है भाई। क्या फास्ट गेम प्ले कर रही है, क्या ही मूवमेंट है इसकी। बात तो सही है। कोई ना कोई ना कोई ना, आने दो। कहाँ है? वो रेड क्रिम ला गया यानी ये बच्चा। ये पिदुक्की बहुत ज्यादा तबाही मचा भाई। सना हेड पड़ा, मरा क्यों नहीं? शॉटगन लेकर आया है नूबड़ा। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? निकल ना। अबे भाई मरा ही नहीं यार। गया 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 गया। बच्चे को मैंने दे दिया, कच्चा बना दिया। अबे किधर जाऊं मैं? फंस गया उसके गुलवाल में फंस गया भाई। चाची जी बचिए, चाची जी वहां उछल कूद कर रही है, फुल स्पीड में आ रही है। तो जाओ चाची जी तो अपने घर। अरे हील करना पड़ेगा गाइस, हील कर लेते हैं, आई थिंक वो बेटर रहेगा। वरना चाची जी गुस्से में आ गई तो सदमे से ग्रस्तित हो जाऊंगी, नहीं हो जाऊंगी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। गाइस वो लड़की है भाई, मैं लड़का हूँ यार। अरे नहीं भाई, हो जाऊंगी हो जाऊंगा के चक्कर में साला मर गया। और नूबड़ी अपना शकल दिखा रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फिल्म में गाइस ज्यादा टाइम यही होता है, मतलब बात करने के चक्कर में ये कलुआ मारा जाता है। और आज क्या ही पहन के, कौन सा चड्ढा कौन सा शर्ट, पता नहीं क्या क्या भाई। 2-0 उन लोगों ने कर दिया यार। संभल के खेलना पड़ेगा भाई, तीनों के तीनों खतरनाक मूवमेंट के साथ खेल रहे हैं। क्या लगता है गाइस ये चैलेंज फ्लॉप हो जाएगा क्या? अबे लड़की 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 लड़की, इधर से लड़का। अबे किस किस को मैं देखूं, चाची को देखूं, चाचू को देखूं या फिर उसके भतीजे को देखूं? ये क्या है भाई, क्या स्पीड से मार रहे हैं लोग। अबे थोड़ा मुझे भी चांस दो यार भाई, वो चच्ची बहुत मार रही खतरनाक। चल चच्ची की तो गेम बजा दिया, चच्ची गई अपने घर। और चच्चा दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन चच्ची बचेगी तो नहीं। चच्ची चिल्ला रही या या छोड़ दे, लेकिन चच्चा जी बचा भी नहीं पाए। अबे मेरा पिंग गया भाई, क्या गया क्या हो रहा है। चच्चा इधर से आ गया भाई, सीजन 2 वाला चच्चा बहुत पावरफुल है। मर जा चच्चा, तुझे मैं 2 रुपये का प्रसाद दे दूंगा। मर गया मर गया मर गया। अब चच्चे का भतीजा बचा है। ये क्या है गाइस, खुद खुद मर गया भाई। मुझे लग रहा था कि ये राउंड में जीत लूंगा यार। वो साला नूबड़ा चच्चा आगे ही पड़ा था, उसका भतीजा इंतजार कर रहा था, उसके चक्कर में मारा गया। ये चच्चा भतीजा और चाची के जोड़ी के चक्कर में पेला जा रहा हूँ गाइस। ये अलग ही सीन हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी, उसका भतीजा आ गया। चल भतीजा गया, लोग इसके मुंह ही मुंह देते हैं। ये ले चच्चा जी, चच्चा जी। अरे चच्चा जी कहाँ गए? चच्चा जी कहाँ जा रहे हो? रुको जरा सबर करो। चच्चा जी शहीद हो गए, चच्ची बची है आई थिंक। अबे क्या मार रही बवाल लड़की है यार ये। इस सच में गाइस इतना खतरनाक कैसे खेल सकती है? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अबे निकल 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 निकल, मुझे लगा मैं गया। रुक, चच्ची को मातम का जलवा दिखाना पड़ेगा। कलुआ का हलवा नहीं, कलुआ का हलवा कैसे हो सकता, कलुआ का जलवा यार। तो मैं कुछ भी इस समय बोल रहा हूँ मैं बोलूंगा ही नहीं। मारना है भाई से, मारना है मुझे बस। हवा निकल गई। इमोट भी दिखाना है, इमोट भी। थोड़ा डांस तो देखो। बात तो सही है।
और अब फाइनली हम लोग लेते हैं शॉर्ट गन की। गाइस जब तक अपने पास ब्रह्मास्त्र नहीं आती कलुआ को वो गेम प्ले के अंदर फील नहीं आता। अच्छा, और फाइनली हम लोगों ने एक राउंड जीत लिया। भाई लग ही नहीं रहा था कि एक राउंड भी निकलेगा, बस कुछ भी करके ये गेम निकालना यार। भाई बहुत खतरनाक तीनों खेल रहे हैं, आजकल के बच्चे भी इतना खतरनाक खेलने लगे कि मेरे जैसे बुड्ढों को पीछे छोड़, सॉरी बेटा, मेरे जैसे जवान मुंडे को पीछे छोड़ रहे हैं। वे कहाँ गया भाई? चच्ची आ गई क्या? चच्चा आ गया, कौन आ गया? चच्चे का भतीजा आ रहा है भाई। किधर किधर से पड़ रही है यार, आने नहीं दूंगा। पूरा रेड रेड दिया लेकिन मरे नहीं। चच्ची ज्यादा सॉलिड है। चल एक गया, दूसरा भी जाएगा अब। रुको गाइस, आराम से खेलना पड़ेगा। बोन फायर यूज करते हैं भाई, अपने पास ऑप्शन है तो यूज कर। रे 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 रे, चच्चा जी ये किधर आ गए? इधर से आ रहा चच्ची। अबे चच्ची मार रही है पीछे से। अबे किधर फंस गया? चच्ची तो बॉडी से निपट गई और चच्चा जी फाइनली हेडशॉट से गए। इसी बात पे डांस तो बनता है गाइस। क्या हो रहा है यार, दिल में धक धक और ऊपर से भाई बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है, क्योंकि गाइस ये बंदे ना बहुत ही खतरनाक है यार। भाई तीनों गेम प्ले एकदम फाड़ है और अपने सामने ये तीनों झाड़ हैं। अरे भाई क्या रैम बना दिया कलुआ, तूने तो इन तीनों चच्चा चच्ची की और उसके भतीजे की पैंट गीली कर दी। उसका भतीजा रेड क्रिमिनल पहन के जोकर बन के फुदका फुदका रहा है। आने दो, छुपे ही रहेंगे, निकलेंगे नहीं, लोग पता भी नहीं चलेगा किधर से पेल दूंगा। भाई इधर गया क्या? आना भाई किधर जा रहा है? आ गया पीछे से आ रहा है। रुक, भाई किधर गया चच्चे का भतीजा? डर गया? लेते चच्चे को पेल दिया। तू डर गया तो तेरा चच्चा गया। गाइस कलुआ को एक ना एक शिकार चाहिए, चच्चा या चच्चे का भतीजा या फिर चच्ची। लेकिन चच्ची बड़ी जुल्मी है, फंसी नहीं रही जाल में। कैसी अपमान कर बातें कर रहा लड़का ये? चच्ची ने इतने जुल्म दिखाए कि भतीजे और चच्चे की बैंड बज गई। चच्ची कहाँ भाई? चच्ची तो अलग जा रही है। अरे चच्ची मुझे कुछ दिखाएंगे खत्म। अबे ये था क्या? मैंने चच्ची को भाई, इसको मैंने सीरियसली मजाक में ले लिया कि पीछे भागी जा रही, लेकिन एम ले रही थी हेडशॉट के लिए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। यार मैं ना बकचोदी में पढ़ पढ़ के पेला जा रहा हूँ। आपसे क्या लगता है यार, ये वाला मैच मैं जीतूंगा या फिर हारूंगा? क्योंकि वो चच्ची भाई कितनी जुल्मी है, चांस नहीं दे रही, मौका ही नहीं दे रही, और कितना मतलब चाल के साथ सस्पिशियस बन के मार रही है। रुक, सीजन टू वाले को पेलते हैं। अबे हेड पड़ा इसे। चच्ची आ गई मेरे पास। ओ भाई मरा क्यों नहीं ये? यार मेरा पिंक का क्या सीन चल रहा है भाई? भाई कब कुछ अच्छा होने लगता है तभी गेम मेरा हक देता है। तेरी माँ का बंदा एक इधर से आ रहा है, चलिए तो गया। वो चच्ची कहाँ यार? उसे चच्ची आ गई, चच्ची आई और चच्ची को भेजना अपने घर। चच्ची घर चली जा। चल चच्ची बड़ी जुल्मी यार, इसे बड़ा डर लगता है। अबे चच्चा आ गया उसको बचाने, कह रहा है मेरी माल को मार रहा है, ले मुझे भी मार ले, ले मुझे भी मार ले, मैं भी जाना चाहता हूँ। फाइनली गाइज हम लोगों ने कमाल धमाल कर दिया और कुछ अच्छा लगा। चलो सही है भाई, मतलब जब हम लोग राउंड जीतते हैं इतना खुश हो जाता हूँ, और जब हारते तो साला मुंह बन जाता है। सच में गाइस एक चीज तो है, क्या? जब हम लोग गेम हारते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब जीतते तो कितना मजा आता है। आप तो भी कमेंट बताओ कितने लोगों को ऐसा फील होता है, हारने के बाद बुरा और जीतने के बाद अच्छा। अभी भाई चच्ची की जवानी वापस आ गई।
मैं चच्ची तो खूनी निकली, मतलब खूनी पी रही है कलुआ का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई 5 राउंड पेल दिया इस चच्ची ने। चच्ची चच्चा मिलके पूरा घंटाला बना रहे, मुझे ताला सब मिलके पागल बना रहे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। अब कलुआ गाइस साबित ही करना पड़ेगा कि कलुआ सबसे लेजेंड है, सबसे प्रो है और हिस्ट्री मेकर है। अब बनाएगा कलुआ हिस्ट्री। साले नूबड़े आओ आओ, इसी घर में छुप के पेलूंगा, लेकिन लॉन्ग रेंज है नहीं, क्या पेलूंगा, सामने तो जाना ही पड़ेगा। चच्ची उस घर में घुसी है, चच्चे के बच्चे को पेलते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ भाग गया, इधर कैसे आ गया? चच्चा का बच्चा निकल, चच्चा का बच्चा, और तेरे नहीं चल पाएगा कुछ भी। बे चच्ची गुस्से में बहुत है, चच्ची टपक जाए बस। अरे चच्ची निकल आओ बाहर, थोड़ा तो मेरी मदद करो, अपने गुस्से को छोड़ दो वरना मैं बॉडी बॉडी भर दूंगा। अरे नहीं भरवाना चाहती चच्ची तो, रुक जा। चच्ची को लगता है 1 टैप देना पड़ेगा। चच्ची दूर भाग रही, यानी फिर से देना चाहती है मुझे। चच्ची कहाँ गई? अरे चच्ची उधर है, आ जाओ चच्ची आ जाओ। अबे अबे ये बंदा इसका कहाँ गया? गया वो चच्चा करके कोई था, वो सीजन 2 वाला लगता है डर के मारे भाग गया। गाइस देख रहे हो कलुआ का जहर वाला पावर, क्योंकि भाई बंदे घबराते हैं कलुआ से, कांपते हैं थर 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 थर। और आप सभी को लगता है कलुआ हल्के में, भाई जो भी बंदा कलुआ को लेकर खेले गाइस तबाही मच जाएगी, और क्या क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। सही खेल गया बैंच। गाइस जब जब कलुआ अपने हाथ में हथियार उठाता है, बंदे सामने वाले कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ना कलुआ की फट चुकी है, और इस बार इन लोगों के फाड़ेंगे। देखो दोनों उधर जा रहे, मैं इधर हूँ। बे भाई ओ भाई क्या है, क्या M10 लेके आ रहा बैठे ऐसे कैसे? चच्ची तेरी आ रही होगी, मुझे पता है चच्चे के बच्चे को पेला है ना, तो चच्ची पक्का आ रही होगी। M10 वो भी लेकर आई है भाई, पूरा फैमिली पैक M10 यूज कर रहा है इस बार तो। हेडशॉट पड़ा, दूसरा हेडशॉट पड़ा, लेकिन सस्ते सस्ते हेडशॉट क्यों पड़ रहे हैं? चच्ची की तो हड्डी तोड़ दी मैंने। चच्ची बोल ही रही होंगी कि भाई ये क्या मार रहा है, और चच्चे को बुला लिया है फाइनली अपने, और चच्चा आए और चले गए। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। चच्चा जी अपने परदादे का फेस देख लो। गाइस मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप सभी को क्या पता है कि इस फ्री फायर के अंदर सबसे पूर्वज कैरेक्टर कौन सा है? बताओ अगर मालूम है तो। और चच्चे का भतीजा गया, अबे चच्ची बोन फायर लगा के बैठ गई। नहीं चच्ची नहीं नहीं, उसे रिवाइव मत करना। चच्ची मैं हूं तुम्हारे पीछे, देखो तो एक जरा। चच्ची तो बोल रही है गुस्से में हूं मैं। Once more! तो दिखने के लिए बोल रहा है। अरे चच्ची जी सामने आ गई। ओ भाई भाई भाई, अरे 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 चच्ची जी चच्ची जी चच्ची जी, बुरा मत मानना। रुको गाइस, बल्तीरो के साथ हम बल्तीरो बनाएंगे इस बार इमोट शॉट के साथ। कहाँ गई चच्ची? चच्ची गुस्से में भागी जा रही हो, चच्ची अपना जलवा नहीं दिखाओगी? मजा आया। और कलवा का इमोट तो देख के जाओ एक बार। चच्ची जी अपना जलवा फ्लॉप हो गया, और कलवा का जलवा हिट हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो गाइस कितने लोगों को पता है कि सबसे इसमें पूर्वज कैरेक्टर कौन सा है? जिन जिन लोगों को पता है कमेंट बताओ भाई, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी को कितना ज्यादा फ्री फायर के बारे में नॉलेज है, कि सबसे पुराना कैरेक्टर और सबसे पूर्वज कैरेक्टर कौन सा है। भाई बताओ भाई, मुझे तो आंसर पता है। अच्छा मैं तो देखना चाहता हूँ कि आप सभी को क्या पता है। भाई पता है तो कमेंट बताओ, नहीं पता है तो पता पता खेलो। बेटा तब तक मैं इन लोगों को लापता करता हूँ। रुक जा, ओम लेकर आए थे परदेसी बन के चले गए। भाई M10 पेल दिया। भाई चच्चे का भतीजा कितना खतरनाक है, पूरा M10 भर रहा है। निकल, कहाँ गई चच्ची? भाई चच्ची सच में बता रहा हूँ, चच्ची की जवानी मुझे लगता है वापस आ गई, क्योंकि
इतनी फास्ट गुलवाल डाली जितना मैं भी नहीं डाल पा रहा। सही बात है, सही बात है। और चच्ची की जवानी तो मैं वापस भेजने वाला हूँ गाइस। मेरा नाम है बुल्ला, मुझे अपने घर जाना है। अरे जा। ओ भाई ये क्या है, चच्ची की जवानी वापस गई और फाइनली गाइस हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे भुइया। अभी रुको, अभी तो मेन मजा आने वाला है। आप सभी को शायद पता नहीं कितना मजा अब आएगा, अभी तो जलवा होगा असली। अभी आऊंगा मैं मेन आईडी से, तब देखते हैं गाइस ये लोग क्या बोलते हैं। A few moments later. अरे तुम इतना अच्छा खेल रहे, किसी को आईडी दे दिए थे क्या? अच्छा अच्छा तो तुम लोगों को अब लग रहा है कि मैंने किसी और को आईडी देकर गेम खेलवाया? पहली फुर्सत में निकल। अरे भाई मतलब तुम लोगों को रत्ती भर ट्रस्ट नहीं कि कलुआ इतना खतरनाक गेम प्ले कर सकता है? कुछ भी बिल्कुल। अच्छा ठीक है एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम लोग लगता है ना दूसरे बंदे को दिया था, ठीक है मैं उसी बंदे को बुलाता हूँ, तुम जरा टीम कोड दोगे मुझे एक मिनट के लिए? दो, मैं उसी बंदे को बुला के लाता हूँ। हाँ एक मिनट रुकना जरा, अभी तुम सीधी औकात पे आओगे। अभी रुको गाइस, अपनी असली आईडी से आते हैं, उन लोगों की औकात बताते हैं। 12 seconds later. चलो गाइस अभी आ चुके हैं अपनी रियल आईडी से, अभी ने दिखाते हैं कौन है असली यूट्यूबर। टीम कोड। अरे ये कौन आ गया, अभी बैच वाला खत्म। अरे भाई, अरे इस भाई विक्टन दूसरे भाई तुमने बुलाया क्या? मैं नहीं बताऊंगा। अरे इस भाई ये भाई बहुत अच्छे बड़े यूट्यूबर है। अरे हेलो हेलो, ये रोड़ा की आवाज क्यों आ रही है? अरे तुम लोगों ने पहचाना नहीं क्या मैं कौन हूँ? मैं ही हूँ भाई, मैं अपनी आईडी किसी को नहीं देता। तुमड़े ने स्कैम तो नहीं कर लिया जो भी कस्टम के लिए? हाँ स्कैम कर लियो कि अंजलि भाई की आईडी इसने। मतलब यार तुम लोग एक नंबर के, अब मैं क्या बोल दूं, तुम लोगों ने कसम खा के रखा है कि ट्रस्ट नहीं करोगी कि ये मेरी आईडी है, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये हूँ वो, तो तुम लोग करोगे क्या भाई? तेरी माँ का भाई, तुम कैसे मान गए भाई? ना तेरे लेवल 2 आईडी में क्यों आया पहले, ये तेरी आईडी थी तो? नहीं, तुम जैसे नूबड़ों को सबक सिखाने के लिए मुझे नूबड़ी आईडी से आनी पड़ती है, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलता ना कि कौन नूबड़ा है, कौन प्रो है, कौन रियल है, कौन है फेक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे हाँ भाई, तभी तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि एक बार जाके मेरा चैनल देखो, सब्सक्राइब करो, लेकिन तुम लोग आगे बात ही कहाँ सुन रहे थे? कुछ भी, हम तो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं। तुम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे भाई, डायमंड दोगे? अच्छा तो डायमंड चाहिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा ठीक है लो। दे दिया डायमंड। मतलब गाइस कहां से लोग आते हैं। होप सो गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई फटाफट लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, एंड कमेंट बताना कैसी आप सभी को और प्रैंक वाली वीडियो देखना है।